सिसोदिया राजवंश के शूरवीर पराक्रमी एवं कुशल योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने उन्हें हृदय से याद किया। महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके शौर्य को नमन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मीडिया प्रभारी जंगशेर राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग रानी महेंद्र कंवर, महिला विंग की राष्ट्रीय महामंत्री सीमा राणा, महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप राणा, प्रदेश महामंत्री युवा याद विद्या राणा, विजय सिंह परिहार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व अनिल सिंह चंदेल राष्ट्रीय मंत्री सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने महाराणा प्रताप के आदर्श पर कृतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किए, तमाम तरह की परेशानियों और आपदाओं को झेले, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। उन्होंने अपने अथक प्रयास और कठिन परिश्रम से देश को मुगलों की सत्ता से बचाते रहने का कार्य किया। राष्ट्र की सुरक्षा में उनके योगदान शौर्य गाथा के रूप में अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेगी। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश में हुआ था और वे इसी राजवंश के राजा भी बने। उनकी शौर्य गाथाएं इतिहास में दर्ज हैं। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में 500 भील लोगों को साथ लेकर राणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। हल्दीघाटी युद्ध में भील सरदार राणा पुंजा जी का योगदान सराहनीय रहा। हल्दीघाटी के युद्ध में और देवर और चपली की लड़ाई में प्रताप को सबसे बड़ा राजपूत और उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें मेवाड़ी राणा माना गया। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए, लेकिन महाराणा ने उसके प्रयासों को अपने पराक्रम के बल पर असफल किया।